91.2 एनआईवीएच हेलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं हेमा। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष आपका अपना कार्यक्रम दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से को लेकर। मेरे साथ हैं निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी। सबसे पहले सर का स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी हमने ऑटिज्म या स्वलिनता के बारे में बात की थी, तो पर एक सवाल मेरे दिमाग में रह गया। ऑटिज्म या स्वलिनता, जैसा कि कई लोगों को पता होगा, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास असाधारण क्षमताएं भी हो सकती हैं या विकास के कई पायदानों में कमी हो सकती है, जैसे बोलना, चलना, फिरना, खाना, एकाग्रता या अति संवेदनशीलता। यदि देखा जाए तो एक बच्चा जिसे स्वलिनता हो तो उसे कई तरह के चिकित्सकों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है, तो क्या वो हमारे देश में संभव है? हाँ, स्वलिनता या ऑटिज्म जिसे हो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे कि बोलने की क्षमता में अगर कमी हो तो स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत हो, अगर सुनने में अति संवेदनशीलता हो तो ऑडियोलॉजिस्ट की जरूरत हो, अगर बाकी की टैक्टाइल इंटीग्रेशन का हो या महक से तकलीफ हो या वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन के इशू हो तो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, अगर ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, फाइन मोटर स्किल जैसे कि लिखना पढ़ना हो गया उसके लिए एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, पढ़ने लिखने के लिए एक स्पेशल एडुकेटर की जरूरत पड़ सकती है, और समग्र विकास के लिए, बुद्धिमत्ता में विकास के लिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, एक सोशल वर्कर की जरूरत पड़ सकती है, एक मेडिकल डॉक्टर की तो जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं उनको। इस तरह से अगर हम देखें तो 9 से 10 लोगों की तो एक टीम पूरी पूरी चाहिए ही चाहिए। और अब तक जितने भी कोर्सेस हमारे शुरू किए गए हैं उनमें ऐसा कोई एक कोर्स नहीं है जो कि इन सभी की सभी कठिनाइयों को एड्रेस करने के लिए बनाया गया हो। डिप्लोमा इन स्पेशल एडुकेशन तो है, लेकिन वो एक बहुत सिर्फ स्पेशल एडुकेशन को फोकस करके है जी। तो बच्चे को तो आवश्यकता पड़ती है लगभग सभी लोगों की जी। और माँ बाप को इन लोगों की सेवाएं लेनी पड़ती हैं, ये मिलते कम हैं, ये चैलेंजेस तो हैं। आजकल जैसे सर सभी हॉस्पिटल में, अस्पतालों में भी कोई एक मरीज गया है उसको सारी वो सुविधाएं मिल जाती हैं एक ही जगह पर, तो दिव्यांगता के क्षेत्र में ऐसा कोई हॉस्पिटल या अस्पताल नहीं है? देखिए, दिव्यांगता के क्षेत्र में जो नई नेशनल इंस्टीट्यूट एक बनी है, राष्ट्रीय संस्थान बनी है, निपमेड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, चेन्नई में सन 2012 में, वो एक राष्ट्रीय संस्थान है, 8वां राष्ट्रीय संस्थान में जहां की इस तरह की एक सेवा मिलती है। कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स जो बने हैं, पहले 8 थे, अभी लगभग 19 हो गए हैं जगह जगह, वहां भी ऐसी सेवाएं मिलती हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए 19 और एक 20 ऐसी जगहें हिंदुस्तान भर में जहां की लगभग सभी, जिन प्रोफेशनल्स की मैंने बात की, ये 9 तरह के प्रोफेशनल्स वहां मोटा मोटी मिल जाते हैं लोग, बाकी जगहों थोड़ी कठिनाई होती कम है ना सर, पूरे देश में सिर्फ 20 बहुत कम है। तो इसके लिए कुछ इस तरह का, देखिए, एक तो होता है कि आप कितने जगह ऐसी सुविधाएं दे पाते हैं, दूसरी बात होती है कि आप किस तरह, सर्विस डिलीवरी मॉडल आपका क्या होता है। उदाहरण के लिए मैं समझाऊं आपको, कुल मिला के एक 4 तरह के सर्विस डिलीवरी मॉडल होते हैं। उदाहरण के लिए मेरे सर में दर्द हुआ, मैं हो सकता है कि किसी एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास या किसी डॉक्टर के पास जाओ जिसका कि अपना क्लिनिक हो जी। मैं गया, दवाई लिया, वापिस आया, एक तरीका ये हुआ सर्विस देने का, सर दर्द दूर करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मुझे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाने का मौका मिले जहां कि मैं जाऊं, मेरा सर दर्द हो रहा है किसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास, वो बोलेगी एक काम करें आप न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन ले लें। न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन माला ये हो सकता है कि कोई बात नहीं, आप आंख भी अपना चेक करवा लें भाई, ऐसा तो दिक्कत तो नहीं है कुछ ना कुछ। साथ ही साथ हो सकता है कि आंख चेक करने वाला बोल सके कि नहीं एक काम करेंगे आप कान भी चेक कर लें, क्योंकि कान में खराबी के चलते भी ये हो रहा है, हो सकता है, मतलब वो संभावना है, जरूरी नहीं कि हो व्यक्ति को, लेकिन हो सकता है कि ये करें। तो एक व्यक्ति किसी एक जगह जाए, दूसरी सेवाएं जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो एक छत के नीचे मिल जाए, पर लोग अलग अलग ही देखेंगे उसको। तो दूसरा जो सर्विस डिलीवरी मॉडल है उसे हम बोल सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जी बिल्कुल,
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे हम बोलते हैं। तीसरा जो तरीका है जो कि थोड़ा और विकसित तरीका है और बहुत कम जगह होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कुछ इस तरह का चीज होता है कि वही सरदर्द वाला व्यक्ति हर जगह गया, लेकिन ये जो डॉक्टर हैं जो बैठे हुए हैं या ये जो चिकित्सक हैं जो बैठे हुए हैं एक जगह, वो तय करते हैं कि हम सप्ताह में एक दिन जरूर बैठेंगे एक टेबल पे, जहां कि हम ऐसे लोगों की चर्चा करेंगे जिन्हें एक से ज्यादा सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो वो वहां बैठते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि अच्छा फलाना नाम का व्यक्ति आया था, आपने मुझे रेफर किया था, आपने 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 इसके साथ ये चीजें हैं, अच्छा इनके साथ ये चीजें करनी है। तो इनके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो हर किसी को पता होता है, व्यक्ति तो इन्हीं के पास जाएगा जी। लेकिन इनके जो परामर्श होते हैं वो लगभग तय किए जाते हैं एक साथ बैठ के। तो ये हो गया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। चौथा जो सबसे विकसित तरीका है, जो कि जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय बहुदिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई निपमेड के ऑब्जेक्टिव्स में है, टू डेवलप ए ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये जो ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है वो ऐसा अप्रोच है जिसमें कि खासकर बहुदिव्यांग जो बच्चे होते हैं या जो नई तरह की दिव्यांगता है, जैसे कि ऑटिज्म स्वलिंगता, जैसे कि डेफ ब्लाइंडनेस, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी, विशेषकर ये तीन तरह की जो दिव्यांगता होती है जहां की व्यक्ति को एक से ज्यादा तरह की सेवाओं की आवश्यकता होती है, पर वो एक से ज्यादा तरह की सेवाएं उस तरह की नहीं होती जो कि सिंगल डिसेबिलिटी के लिए हो। उदाहरण बताता हूं मैं, किसी एक व्यक्ति को हो सकता है कि आंखों में खराबी हो और साथ में पैर में बड़ा परेशानी हो, पोलियो हो उसको जी। तो ये इस तरह की दिव्यांगता नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ना समझ सके, मतलब वो अगर आंखों वालों के पास जाए, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाए, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाए तो वो चश्मा दे देगा उसको, और पैर के लिए कोई प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियर कुछ ना कुछ कर देगा। लेकिन वही चीज अगर किसी एक व्यक्ति को सुनने में कमी हो और देखने में कमी हो, बधिरंधता, डेफ ब्लाइंडनेस हो, तो उसका पूरा सीखने का जो तरीका होता है वो टैक्टाइल हो जाता है, चूके सीखता है ना, हेलेन केलर जैसी चूके सीखती थी। या अगर सेरेब्रल पॉल्सी हो जाए किसी एक व्यक्ति को, तो उसकी जो खाने की जरूरतें होती हैं, उसकी जो पढ़ने लिखने की जरूरतें होती हैं, वो बिल्कुल बदल सी जाती हैं। तो इस तरह की जो परेशानियां अभी आ रही हैं, इस तरह की जो परेशानियां तो मैं नहीं बोलूंगा, इस तरह की जो स्थिति आ रही है, दिव्यांगता जो आ रही है, उसको समझने के लिए ये इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि या तो बच्चा हर किसी के पास, इन दसों के पास जाए अलग अलग जी। अगर दिन में अगर एक घंटा भी जाए तो 10 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है जी। फिर माँ के ऊपर ये है कि वो समझे कि ये दसों लोग क्या बोले, फिर वो घर भी जाएगी, वो घर में लागू भी करेगी, इतने लोग मिलना अपने में एक सौभाग्य है। अगर ये प्राइवेट में जाती है, क्योंकि सरकारी 20 संस्थाएं हैं जहां की इस तरह की सुविधाएं सरकार में उपलब्ध अगर अभी है, तो प्राइवेट में ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट के पास जाएंगे। ये काफी कॉस्टली सर्विसेज होती हैं, एक घंटे का अगर एक अच्छा खासा व्यक्ति हो जो कि दक्ष हो इस चीज में, तो एक 40 मिनट थेरेपी के लिए नहीं भी तो 200 रुपए के ऊपर का चार्ज करता है। तो माँ को वहां जाना आना, बच्चे को वहां बिठाना, फिर उतनी समझ उस व्यक्ति की रहनी कि वो सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट सब काम करते हैं, ये रेयर है। इन सभी चीजों को देखकर एक अप्रोच सामने आया जिसे हम बोलते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। इस अप्रोच में यह किया जाता है कि जो 10 तरह के व्यक्ति हैं जो ऑटिज्म के साथ काम करेंगे या सेरेब्रल पॉल्सी के साथ काम करेंगे या डेवलपमेंट के साथ काम करेंगे, वो एक दूसरे को ट्रेन करना शुरू करते हैं। किस चीज के लिए? सिर्फ उसी हिस्सा के लिए जो कि एक ऑटिज्म वाले बच्चे के साथ काम करने के लिए जरूरी है। उदाहरण बताता हूं मैं आपको। उदाहरण के लिए एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का ये काम होता है कि वो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, सेंसरी इंटीग्रेशन एड्रेस करे, चाहे उस व्यक्ति को ऐसे यूं हाथ ले जाने का आदत हो इससे कि प्रॉपर रिसेप्टिव इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े उसे, या यूं कोने से देखने के कॉर्नर विजन की आदत हो इससे कि विजुअल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े, या जोर का आवाज आ जाए तो अपना कान बंद कर ले वो तो ऑडिटरी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े, या कंघी नहीं करने देता, शटी नहीं पहनने देता, टैक्टाइल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, पीछे का जो टैग होता है वही परेशान काफी कर जाता है बच्चे को। तो इस तरह की इंटीग्रेशन वाली काम जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट करता है अनेक काम में से, वो उसका ज्ञान देता है वो सामने वाले को, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, स्पेशल एडुकेटर हो, मेडिकल ऑफिसर हो या कोई भी हो। वैसे स्पीच थेरेपिस्ट बात कर, भाषा जब बच्चा सीखना शुरू करता है
तो भाषा कैसे सिखाना है उसके जो छोटे मोटे टेक्निक्स और कायदे होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है सामने वाले को। वैसे एक दूसरे को हम ट्रेन करना शुरू करते हैं, जिससे होता यह है कि जो बच्चा है वो अपनी मां के साथ उस एक व्यक्ति के पास चले आए जो कि उसे उसका जांच भी करे, थेरेपी भी करे और बाकी लोगों की निगरानी में कर ले। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, इसके 7 स्टेजेस होते हैं अलग अलग, जिसको रोल रिलीज, रोल ट्रांसफर, रोल रिवर्सल, ऐसे करके 7 स्टेजेस होते हैं। बड़ा आसान नहीं होता, सुनने में बड़ा होता, सुनने में ऐसा लगता है कि नहीं सामने वाले को सिखा देना जो मैं जानता हूं, इतना आसान भी नहीं होता। और दूसरी बात यह होती है कि वो सामने वाला हर किसी को, ये दसों के दसों लोग एक दूसरे को प्रशिक्षित करते हैं ताकि हर एक व्यक्ति इतना सक्षम हो जाए कि वो शुरुआती निदान और थेरेपी कर पाए, जहां भी उसे दिक्कतें होती है वो क्रॉस रेफर कर जाता है, मतलब दूसरे व्यक्ति को बुला लेता है या उनके साथ चला जाता है, उनके पास समझ जाता है। इससे सुविधा यह होती है कि मां को यह पता होता है कि उसे एक व्यक्ति के साथ काम करना है, दूसरा वो इस प्रोफेशनल का काम होता है या उस चिकित्सक का काम होता है कि वो बाकी सभी लोगों के सलाह मशवरा करें और जो ज्ञान दिया गया उसे समेकित करें, इंटीग्रेट करके एक एक्टिविटी में ले जाए। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, मान लीजिए बच्चा है ऑटिज्म का बच्चा है, वो ग्लास पकड़ के पानी ही नहीं पीता, वो अपने में एक बहुत बड़ी स्किल है। हम आप पानी पी लेते हैं, यूं लेते हैं ग्लास में और यूं रख लेते हैं हम पानी पीकर, ये देखने में बड़ा आसान है, लेकिन किसी स्वलीन बच्चे को हो सकता है ये खुद में एक चैलेंज हो कि आपके तो देख नहीं रहा है, हाथ आगे कर दिया, पीछे कर दिया, पकड़ नहीं पा रहा, ग्रिप नहीं आ रहा, मुंह तक नहीं ला रहा है। तो अगर ये एक श्रवणवाक चिकित्सक कर रहा है इस काम को, तो उसे इस बात की पूरी समझ लेनी पड़ती है कि इस पूरे कार्य को संपादित करने के लिए कौन कौन सी क्षमताएं चाहिए होती है, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी पोजिशनिंग, फाइन मोटर स्किल, फिर वापिस रखना, साथ ही साथ कौन कौन से रीइन्फोर्समेंट उसको देने पड़ते हैं कि बच्चा उस काम को करे। वो जब इस चीज को समझ लेता है तो करता क्या है कि एक एक क्रियाकलाप में, एक एक एक्टिविटी में सारा का सारा ज्ञान खुद संसाधित कर माँ को सिखाता है। यही चीज जो माँ अलग अलग लोगों के पास सीखी होती थी वो एक ही व्यक्ति जो कि इसी क्षेत्र में प्रशिक्षित है जी, वो बेहतर सीख जाता है। तो माँ को जो एक इमोशनल ट्रॉमा होता है, माँ का जो समय होता है, जो पैसे खर्चे करने होते हैं, लोगों का मिलना ना मिलना होता है, उसमें बहुत बहुत राहत मिल जाती है माँ को। और बच्चे को कितनी राहत मिल जाती है कि वो जो भी एक्टिविटी करता है वो बड़ा समय के लिए कंसोलिडेटेड इंटीग्रेटेड एक्टिविटी होता है। हो सकता है कि आप स्पेशल एडुकेटर के पास जाए पकड़ने के लिए या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पकड़ने के लिए, सिर्फ पेग वो ऊपर नीचे करवाए किस काम के लिए, कि वो ग्लास पकड़ सीख पाएगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को सब कुछ उसमें सिखाना है, स्पीच भी सिखाना है कि अच्छा पानी पानी पीना है, ठीक ये पकड़ा मैंने पानी और यहां मुंह तक मुंह सामने लाओ, ये जो मैं कर रहा हूं, अगर स्पीच थेरेपिस्ट ये काम कर रहा है, खुद कर रहा है, इसे सेल्फ टॉक बोलते हैं, अगर बच्चा कर रहा है और स्पीच थेरेपिस्ट बोल रहा है तो पैरेलल टॉक बोलते हैं। यही चीज ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का भी काम करेगा, स्पेशल एडुकेशन का भी काम करेगा, स्पीच थेरेपी का भी काम करेगा, यानी कि एक एक्टिविटी को इंटीग्रेट किया जा सकता है, समेकित कर सकते हैं हम, तो बड़ा आसान होता है। तो ये ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि अभी स्टेट ऑफ आर्ट या अभी अभी समसामयिक है, जिसे कि सीखना जरूरी है। क्या यह संभव है कि इतने सारे लोगों की विशेषता एक ही व्यक्ति सीख सके और आगे फिर वो उसको सभी के लिए संभव बना सके? बिल्कुल संभव है। ट्रांस डिसिप्लिन अप्रोच में सारी की सारी शिक्षा को एक दूसरे को नहीं देता, वो सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं जो कि उस बच्चे के लिए जरूरत है। एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट कई चीजें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही पार्ट बताते हैं जो कि बच्चे के साथ काम करने के लिए आवश्यक है।